तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस हो गाइस। फाइनली मेरा स्क्वाड कॉन्करर स्टार्ट हो चुका है। तो आज का गेम प्ले दिखाने से पहले जो कि कॉन्करर मतलब रैंक पुशिंग का ही है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार अपनी स्टैट्स दिखा देता हूं। तो फिलहाल मेरा टीयर चल रहा है डायमंड 2 पे, ऑलमोस्ट डायमंड 1 मान लीजिए, मुझे 8 पॉइंट और चाहिए। उसके बाद में अगर स्टैट देखें तो 26 मैच में से 13 मैंने विंस किए हैं, टॉप 10 23 फिनिशेस मेरे थे, FD वगैरह आप लोग देख सकते हैं। एंड करियर रिजल्ट है जो कि फिलहाल कुछ इस तरीके से है, देखो #1 #2, तो कुछ अच्छे मैच भी जा रहे हैं कुछ खराब मैच भी जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली अच्छे ही जा रहे हैं। अब उसका रीजन गाइज एक ही है कि अब मैच में भाई हैकर नहीं है, और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने इतने मैच खेले, मुझे हैकर देखना तो दूर, मुझे ऐसा महसूस भी नहीं हुआ या मुझे किसी पे शक भी नहीं हुआ कि ये बंदा हैक यूज़ कर रहा होगा। कभी कभी होता है ना कि काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जब भी यूट्यूबर्स मरते हैं तो दूसरे को हैकर बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, बट इस बार मुझे ऐसा शक भी नहीं हुआ कि कोई हैक यूज़ कर रहा। हम मरे भी हैं इवन वेल। इस मैच की बात करें तो इस मैच की एंडिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटेंस लगी। फिलहाल हम लोग उतर चुके थे मिरर वर्ल्ड में, और यहाँ उतरते ही क्या तबाही होगी तुम खुद देखो जरा। अरे नीचे कैसे चले गया? अबे भाई ग्लिच ऐसे होता है, नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, 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 ग्लिच होता है ये। मैं आगे हो रहे थे। एक बार किल चराओ ये वाला गलती था। भाई साहब यहाँ उतरती अगर आपको गन हाथ में लग जाए ना, किल्स तो आप लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं। वेल अब इसके बाद जैसे मैंने इन बंदों को मारा, मैंने थोड़ी बहुत अपनी लूट वूट कंप्लीट की और उसके बाद में मैं आ गया इधर की तरफ क्योंकि यहाँ कुछ फाइट चल रही थी। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं जो रैंक पुश कर रहा हूँ, मैं जितने भी रैंक पुशर्स हैं मतलब कि चारों रैंक पुशर्स नहीं होंगे उसमें से, या तो एक होगा या दो होंगे, मतलब या तो मैं या हो सकता है कोई और। फिलहाल पॉल भी रैंक पुश कर रहा है बट पहले मेरा रैंक पुश कराया जाएगा। अब होता इसीलिए ये ऐसा क्योंकि अगर हम केवल एक बंदे फोकस करें, चार बंदे में से कोई एक रैंक पुश कर रहा है तो उसका रैंक पुश जल्दी हो जाता है। ये ऊपर चढ़ा है और एक तो बस कुछ इस प्रकार ही होगा इस पूरी रैंक पुशिंग में कि मैं जनरली तीन बंदों के साथ में या कभी दो बंदे ऐसे होंगे जो लोग रैंक पुश नहीं कर रहे होंगे तो वो हमें बचाएंगे। लाइक मतलब कि अगर मैं नॉक होने वाला हूं तो कैसे भी करके उनकी जिम्मेदारी है मुझे बचाना ताकि मेरा माइनस ना हो। मतलब दोस्त और भाई देखो दोस्तों का काम क्या है, दोस्तों का काम यही तो है कि मुसीबत में काम आए। फाइनली गाइज जब हमने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया इसके बाद में अब हमें नीचे जाना था, तो बस हमारा वो जो मिरर वर्ल्ड है वो टूट चुका था। और उसके बाद में अब यहाँ से देखो आप लोगों को एक चीज बताओगे, मिरर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज ये कि आप इसमें अपना FD इस साल मतलब इस सीजन बहुत बढ़ा सकते हैं। रीजन ये कि आप जैसे उतरते हो आप बंदों को मार सकते हो, अगर आप मर भी जाते हो तो नीचे आ जाओगे दोबारा से बच जाओगे, उसके बाद में आप फिर दोबारा से ऊपर जा सकते हो। वहाँ जब आप करेक्टर्स बन जाओगे तो आप जो वहाँ फिनिश निकालोगे वो भी आपके किल्स में काउंट होंगे। तो कुल मिलाकर भाई ये तो एकदम डबल ट्रिपल हो रहा है, मतलब कि तुम एक बंदे को दो से तीन बार मार सकते हो और उसके फिनिशेस आपको उतने ही मिलेंगे। तो इसीलिए मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें गाइस, ये वाला सीजन या तो रैंक पुश करने के लिए या अपना FD बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। फिलहाल अब यहाँ पर हम लोग जैसे उतरे हमें कुछ बॉट्स वगैरह मिले, खुद नहीं है उनको हमने मार दिया, और उसके बाद अब हमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना था जोन में, तो हमने बग्गी उठाई और आगे सीधा स्कूल अपार्टमेंट। अबे ठोकना मेरी गाड़ी, ठोकना दे दो। रुको 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 रुको, तुम मेरे को एक काम करो अपनी गाड़ी उठा दो, पेट्रोल खत्म हो गया भाई, ज्यादा ही ठोक दिया, खत्म गया पेट्रोल, गया उसमें उसमें ज्यादा है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो हमें पता था कि स्कूल में से कोई फायर तो कर रहा है, बट जब रैंक पुश कर रहे हो तो आपको एक चीज से बच के रहना है कि बंदे आपको बेट बना के एक बंदा फायर करके वहां चार ना बैठे हो, इन चीजों से बचना है। तो बस हम यही चीज कंफर्म कर रहे थे, तो यहां पर ये एक बंदा था जो कि परेशान कर रहा था ठीक है काफी, तो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग उसका वेट करते हैं। फाइनली हमारी टीम आगे जाती है, मैं ऐसे कवर देता हूँ, मैं जनरली आगे रश नहीं करूँगा जब तक कि मैं रैंक पुश करूँगा, ये बात आप लोगों को भी पता है। तो उस बंदे को टीम ने मार दिया और उसके बाद मैं जैसे ही आता हूँ गाइस यहाँ ड्रॉप की तरफ, मुझे सामने ओपन में दो से तीन बंदे दिखाई देते हैं, और अब देखना गाइस घुमाते शील्ड बना लो
फिलहाल भाई ये बंदा तो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन तभी एक और बग्गी आती है राइट से। अच्छा दूर है मतलब। अब मैंने इन बंदों को बहुत लेट कर दिया था और इन बंदों ने ले लिया था कवर, तो यहाँ पर मेरी टीम जाती है लेफ्ट से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे में राइट से जाके और बंदों पे एक नया एंगल ले सकता हूँ एंड मेरे को यहाँ से अच्छे खासे नॉक भी मिल सकते हैं। और यकीन मानिए भाई ये चीज़ यहाँ पे काम कर जाती है। मैंने तुरंत राइट से रोटेशन दिया, इस पत्थर पे कवर लिया और उसके बाद और फाइनली भाई ये वाली स्क्वाड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। बाय द वे गाइस, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो हिट दैट लाइक बटन। इस वीडियो को लाइक टारगेट है 25K, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सोच रहे होंगे आज आईपैड का गेम प्ले नहीं है, तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरा पक्का नहीं है कि मैं आईपैड परमानेंट खेलूं। अब सही बताऊं तो मुझे आईपैड में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा खेलने में, मेरे को मेरा हाथ इस समय मोबाइल पर बहुत ज़्यादा सेट है, इसीलिए वापस से मोबाइल पर ही रैंक पुश कर रहा हूँ। फिलहाल गाइस वापस से हम लोग आते हैं रॉजॉक में। अब एक चीज़ बता दूँ कि आजकल ना आपको नया हॉट ड्रॉप मिलेगा, आई मीन जैसे आपको पहले अपार्टमेंट मिलता था ना, आपको रॉजॉक पे कभी बंदे मिल जाते हैं। अब जैसे हम लोग रॉजॉक पे हिल पे अभी बंदे थे नहीं, बट यहाँ पर ना मेरे को एक यूएस रेंडर मिला। अब हम इंतजार कर रहे थे कि हमारी तरफ आएंगे, बट सही बताऊं तो वो एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के रैंक पुशर्स थे, उन्होंने हमारी गाड़ी देख ली थी और जानबूझ के वो लोग वहां गए थे। बट भाई साहब आपको तो पता ही है हम भी भाई कुत्ते की दुम है, हमने भी सोच लिया कि चलो इनको घेरते हैं चारों तरफ से और रश करते हैं इन पे। कहां से जाए बताओ तुम? वो अकेला है, स्क्वाड आउट वाला, येलो स्क्वाड आउट वाला अकेला है, उसे घेर लो तुम, मैं तो कह रहा हूं साइड जाके। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी टीम आगे जाती है, मैं अक्सर पीछे ही रहूंगा क्योंकि मैं नॉक फिनिश ना हो जाऊं, वरना भाई रैंक पुश का क्या ही फायदा। तो यहां पर इन लोगों ने एक दो नॉक वॉक निकाले, ये लोग क्लोज गए, मैं पीछे से जाता हूं इनको कवर देने की कोशिश करता हूं। अब मैंने यहाँ पर आपको एक मतलब 300 IQ कितनी भी 100 IQ समझना, बट मैं एक ऐसा नॉक या फिनिश दिखाने वाला हूँ लिटरली भाई, आपका दिल जीत लूंगा मैं आज में। अब देखो होता कुछ है कि स्क्वाड हाउस में देखो एक बंदा है, ठीक है, अब ये बंदा नीचे आता है इधर जाता है, मैंने सोचा कि जैसे ही बाहर आएगा स्प्रे दूंगा, लेकिन तभी ये बंदा वापस आता है। और अब देखो भाई यहाँ पर तुमने देखा कि मैंने इसको कैसे मारा, मतलब कि ये आता है, मेरे को पता था कि खिड़की जरूर क्रॉस करेगा, मैंने वो प्री दिया और लकली उसको हेड करेक्ट हो गए और उसके बाद में तो ये बंदा भाई इजी मारा गया। तो बताना गाइस एक बार कमेंट में कि आपको ये वाला मूवमेंट इस पूरी वीडियो का कैसा लगा, बाकी मूवमेंट तो और भी बहुत सारे होंगे इसके अंदर। इधर फाइनली इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ ऑलरेडी कोई एक बंदा पहले से लेटा हुआ था, अब एक था कि चार थे, ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पर आया और टीम मेरे को कवर दे ही रही थी पीछे से। एक ही दिखा मेरे को, वो होंगे दो तीन पता। अब भाई मानो चाहे मत मानो लेकिन साउंड का बड़ा ही गंदा गलत चल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बंदा है कहाँ पर, साउंड कहीं और से। अब जैसे मैं इसको नॉक किया मैं तुरंत इसके टीममेट को ढूंढता हूँ, लेकिन आसपास मुझे कोई नहीं दिखाई देता, बट पोचिंगे की तरफ जो आपको घर दिखते ना वहाँ कुछ गाड़ी लैंडर होती है, बस हमने अपनी उठाई बग्गी, किसी ने अपनी डासिया और निकल पड़े इन बंदों की तरफ। बट जैसे हम यहाँ पर आए, हम सही बताएं तो बंदों को मारने आए थे, लेकिन यहाँ आके हम ऑलमोस्ट फंस चुके थे क्योंकि यहाँ पहले से दो स्क्वाड की फाइट चल रही थी। कोई मार रहा है यार, दो स्क्वाड है मेरे को लग रहा है, दो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये लोग बोल रहे थे दो स्क्वाड है, मैंने उधर भी नॉक किया और एंड मेरी ही राइट साइड में एक और बंदा था मार दिया इसको मैंने। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने नॉक को फिनिश किया, उसके बाद में एक बंदे का साउंड मुझे इधर से आया। आओ तुम पे बताओ आ रहा। अब मुझे लगा कि ये बंदा खिड़की में होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ग्रेनेड की पिन खींची, बट तुम एक चीज देख रहे हो क्या गली छोड़ रखा है, और ग्रेनेड देखना भी तो भाई साहब क्या ही बताऊं। फिलहाल तुम्हारे
आप लोग सोच रहे होंगे कि पीछे वाले बंदे क्या होते, सही बताऊं उसे मेरी टीम ने मार दिया था बहुत पहले और मुझे ये बात बाद में पता चली। वेल अभी देखते हैं इस बंदे को, ये एक प्रोन फायर स्प्रे। अब जैसे मैं इसको नॉक निकाला मेरे को जरूरत थी बूस्ट की, उसके बाद अब यहाँ पर टीम जाती है किल को कंफर्म करने के लिए। स्कूल पे लगाऊं क्या मैं? एंड इसके बाद जैसे हमारे किल विल कंफर्म हो गए तो हमने सोचा कि चलो अब वापस चलते हिल पे, क्योंकि हिल का थोड़ा सा हिस्सा जोन में था, बट दिक्कत ये थी कि अगर वहाँ बंदे आ गए तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। वेल यहाँ पर कोई बंदे नहीं थे, बट एक टीम भाई दूर से क्या ही मजे ले रही थी हमसे। अब ये एक ऐसी जगह थी इस समय यहाँ से हम मार ही नहीं सकते थे क्योंकि हमें चारों तरफ से पड़ रही थी बस। इस सामने वॉच आउट। नाइस पुल पे नॉक। तो आप लोग देख सकते हैं स्कूल में बंदे हैं, अपने लेफ्ट में बंदे हैं, मारे तो कहां मारे। स्कूल पर रचना करें क्या? नॉक डाला एक। अरे जी फाइनली गाइस टाइम हो चुका था, जोन बन चुका था और अब हमें जोन में जाना था, तो हमने डिसाइड करा कि हम लेफ्ट से रोटेशन देंगे एंड जिस घर पे अभी मैंने बंदे को मारा था तो हम लोग इधर वाले घर पे रुकेंगे। बट जैसे हम लोग यहाँ पर आए यहाँ ऑलरेडी बंदे थे और दूर से तो हमें इस पर पड़ ही रहे थे। राइट से राइट वाले भी आ रहे हैं, राइट वाले भी आ रहे हैं, राइट राइट से पड़ेंगे। अब यहाँ मैं एक परफेक्ट ग्रेंड करता लेकिन भाई पॉल के ग्लिच से ग्रेंड यहाँ पर छूट गया, इसीलिए अब मुझे यहाँ से ग्रेंड करना पड़ा। नेड फिर से गिर गया, क्या है ये नाटक, वहाँ से हटो हंटर। और मैं उस पर रश करता इससे पहले जोर आ चुका था तो मैंने डिसाइड करा कि मैं बाहर की तरफ जाऊंगा। जैसे ही बाहर आया और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ही बंदे जंप कर रहे थे। अब ये तो आपको भी पता है कि रैंक पुश में इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम लोग मीटअप कर पाए क्योंकि इतने में कोई और आपको मार देगा। अब हमारे अलावा दो और स्क्वाड थी, एक यहां पर और एक लेफ्ट में, और हमें इंतजार था स्कूल वालों का क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगे तब तक हम जोन में जा सकते। और ऊपर से जो सामने टीम है भाई वो ऑलरेडी हमारा जोन घेर के बैठ चुकी थी, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे। नहीं हो पाओगे तुम, हो जाऊंगा देखो ट्राई करके। फाइनली जैसे ही स्कूल वाली टीम खत्म हुई मैंने तुरंत यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट किया। अब यकीन मानो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था, बट यहाँ पर हमारी टीम कमजोर हो चुकी थी। वेल मैं जैसे आगे बढ़ा मैंने एक बंदे को आते ही नॉक निकाला लेकिन उतने में जोन आ गया। जैसे आगे तरफ बढ़ता हूं तभी यहां ये बंदा लेटा था, मैं नॉक हुआ और फिनिश भी हो गया। अब यहां पर देखो इस गेम का रिजल्ट हम लोग देखेंगे तो यहां पर पॉल नॉक हो गया था, उसको रिवाइव दिया, रिवाइव होने के बाद इंस्टेंट ओपन से आगे बढ़ता क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन था नहीं। लग रही नहीं, वही ना मैं यही कर रहा था, लग रही नहीं।
और गेम महान है आप लोगों को पता है, ऐसे टाइम पे सील तो भाई साहब लगती नहीं है। बट ऐसे टाइम पे पॉल का गेम बहुत ही प्यारा था। तो फाइनली गाइज ये एक रैंक पुशिंग लॉबी का गेम प्ले था, एक चिकन डिनर हमें तो नहीं बट सामने वाली टीम को मिलेगा वो भी डिलीशियस वाला। और यहाँ पर देखो आप भी जानते हो कि हमारे पास जोन का एडवांटेज था नहीं, सामने वाली टीम के पास था, दैट्स वाई शायद हम लोग इस गेम को कहीं ना कहीं नहीं जीत पाए। बट कोई नहीं, कभी सामने वाले का दिन होता है तो कभी हमारा दिन होता है, सब लोग जीतने के लिए तो खेलते हैं। तो गाइज आपको ये वाला गेम प्ले कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब अच्छा लगा है तो सबसे पहले मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर देना, एंड गाइज मैं लाइव भी करने वाला हूँ बंदूकबाजी लाइव पे जब तक कि मेरा कॉन्करर नहीं हो जाता। तो आज मैं इस वीडियो को 7 बजे डालूंगा बट मैं लाइव शाम को 4 बजे से स्टार्ट कर दूंगा, आई मीन 2-3 बजे से, ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहते तो मेरे बंदूकबाजी लाइव पे अगले दिन 2-3 बजे आ जाना। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, मिलता आप लोग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।